हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस योर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 15 एयर। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लास्ट के डिस्कस करने थे, बाकी सब हो चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। Why is air called a renewable source of energy? Why is air called a renewable source of energy? तो इसका आप आंसर नोट कर लें, ठीक है? आंसर हो जाएगा क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर हो जाएगा 15 ही आ जाता है, आई थिंक। यस, 15 हियर, एंड आंसर नंबर आप देख लीजिए इसका 5। व्हाई इज एयर कॉल्ड अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सो मूविंग एयर इज कॉल्ड moving air is called विंड, ठीक है? मूविंग करती हुई विंड एयर को क्या बोला जाता है? विंड बोला जाता है। एंड विंड एनर्जी energy, विंड एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी electricity, electricity, hence HENCE, hence air is called renewable, renewable, renewable source of energy, source, source of energy. ओके, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एंड विंड एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हेंस एयर इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, आंसर नंबर 6 है आपका लास्ट। ऑन अ हॉट समर डे वी फील कंफर्टेबल एंड कूल व्हेन वी स्टैंड अंडर अ फैन, व्हाई इज इट ट्रू? ऐसा क्यों होता है? जब हम पंखे के नीचे गर्मियों में खड़े होते हैं तो हमको अच्छा लगता है, कंफर्ट महसूस होता है और ठंडा महसूस होता है, क्यों? द फैन रीजन है, द फैन वाइल मूविंग, WHILE, जब पंखा चलता है, ठीक है, मूविंग, PUSHES पुशेस द वार्म एयर, पुशेस द वार्म एयर अप एंड cool air takes its place, ठीक है? So we feel comfortable, comfortable, comfortable and cool, comfortable and cool when we stand under a fan on a hot summer day।